गुड मॉर्निंग एवरीबडी, टुडे हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, कंपैरिजन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। दैट मींस वी हैव टू कंपेयर द टू डिजिट नंबर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव द एक्सरसाइज। देयर इज अ नंबर, यहाँ पे एक नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि द डिजिट विच हैव मोर टेंस दैट इट इज़ अ बिगर नंबर। जिस डिजिट के अंदर मोर टेंस होते हैं, यानी ज़्यादा टेंस होते हैं, तो वो बिगर नंबर होता है। अब वो ज़्यादा टेंस का मतलब क्या है? अगर मेरे पास यहाँ पे 25 है, आपको पता है कि 2 टेंस है और 5 वंस है। ऐसे ही 61 है, तो मेरे पास क्या पता है? 6 टेंस है एंड 1 वंस है। टेंस किस में ज़्यादा है? 6 में ज़्यादा है, क्योंकि देर इज़ अ 6 टेंस और इसमें 2 में सिर्फ 2 टेंस हैं। दैट मीन्स विच नंबर इज़ अ बिगर? डेफिनेटली द 61 इज़ अ बिगर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखिए, आपको खुद देखना होगा, कंपैरिजन बताया हुआ है कि आपको कैसे कंपैरिजन करना है डिजिट्स का। यहाँ पे दो जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आपके लिए डन हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप फर्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रीन वाली जो बीड्स हैं वो सारी टेंस हैं, यानी कितनी टेंस है? 10 टेंस है, वन टेंस है। तो यहाँ पे 10 बीड्स हैं, उसके बाद 3 बीड्स जो हैं वो येलो वाली हैं। तो क्या बना? 1 तो हमारा टेंस हुआ और 3 वंस हुआ, तो क्या नंबर बना हमारा? हमारा नंबर बना 13, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे देखो मेंशन भी है कि 1 टेंस है और 3 वंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था 10 तो हमारे पास बीड्स हैं, उसके बाद 3 हमारे पास अलग से येलो वाली बीड्स है। अगर हम इन्हें प्लस भी करते हैं तब भी हमारा आंसर यही आएगा। ये देखो 1 3 टेंस आया ना। ठीक है, अब आप जो है सेकंड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ तक, जहाँ पे ये आपका नंबर दिया हुआ है 10, यहाँ तक हमारे पास 10 बीट्स हैं, उसके बाद इससे आगे भी हमारे पास 10 बीट्स हैं। जब हम 10 और 10 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 20 आता है। 20 के बाद जो आगे हमें ऑरेंज वाली बीट्स हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, कितने डिजिट, कितने बीट्स हैं? 5। अब 20 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, बताइए? यस, 25। ध्यान रखना, 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25, 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34। आपको जो मेन वर्ड है वो याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 है, तो 25 में 2 क्या हुआ? हमारा टेंस हुआ, और 5 क्या हुआ? वंस हुआ। ठीक है, अगर हम इन दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं 13 और 25 में, तो यहाँ देखिए कि कौन से नंबर में टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे तो 1 टेंस है और यहाँ पे 2 टेंस है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जहाँ पे टेंस ज़्यादा होंगे वो डिजिट जो है वो ज़्यादा बड़ी होगी। दैट मीन्स 25 में 2 टेंस है और यहाँ पे 1 टेंस है, तो दैट मीन्स 25 इज़ अ बिगर नंबर देन द 13। साइन ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन भी करना है। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ तक 10 है, यहाँ तक 10 है, तो 20 हुआ। 20 के बाद हमें ये येलो बीड्स काउंट करनी है। ठीक है, काउंट कीजिए आप मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या कितने बीट्स हैं? 9। 20 प्लस 9 कितने हुए, बताइए? 29। दैट मीन्स 29 में आप 2 क्या है? टेंस है, और 9 क्या है? वंस है। ठीक है, तो 29 हुआ। ऐसे ही हमें नीचे वाली एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे 10 है, ठीक है, उसके बाद हमें येलो वाली बीट काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आंसर आया? 19। 19 में 1 यहाँ आएगा, 9 यहाँ वंस की जगह पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है 29 एंड 19। 29 और 19 में बड़ा नंबर कौन सा है? किस में ज़्यादा टेंस है, बताइए? 2।
टू में ज़्यादा टेंस हैं और वन में सिर्फ एक ही वंस है, तो दैट मीन्स 29 इज़ अ बिगर नंबर देन द 19। तो हम क्या कौन सा साइन लगाएंगे, साइन ऑफ कंपैरिजन इस टाइप से लगेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट पेज। ओके, अब इस पेज में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3, 4, 5, ये आपको खुद करना है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से करना है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये आपका होमवर्क है, क्लियर। ये मैं आपको सेंड कर दूंगी दोनों वर्क। ठीक है, आई होप आप ये सब कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है किसी भी बच्चे को, प्लीज़ गिव मी अ व्हाट्सएप, ताकि मैं उसको इसको दोबारा से रिवाइज करा सकूँ। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे बेटा एंड टेक केयर।